नमस्ते दोस्तों, मैं आनंदी, स्वागत है आप सभी लोग का हमारे चैनल हेल्थ बेबी केयर में। दोस्तों आज हम बात करेंगे कि अगर किसी इंसान को जब कुत्ता काट लेता है तो वो इंसान बहुत परेशान हो जाते हैं, इधर उधर भागते हैं दवा कराने के लिए, झाड़ फूँक कराने के लिए। लेकिन अगर आज कोई भी साधन उपलब्ध ना हो तो फिर आप ना हॉस्पिटल जा पाएंगे ना कहीं जाकर आप झाड़ फूँक करवा पाएंगे। तो अगर आपके पास घरेलू नुस्खे की अगर जानकारी होगी तो आप अपने परेशानी को घर पर ही ठीक कर सकते हैं। तो आज हम आपको इसी बारे में बताएंगे दोस्तों, जैसे कि अगर आपको कुत्ता काटा है तो आप अपने इस परेशानी को घर पे कैसे नेचुरली तरीके से ठीक कर सकते हैं। चाहे अगर आपको पागल कुत्ता काटा हो या फिर अगर नॉर्मल कुत्ता भी काट लेता है तो उसके जहर से कैसे आप घर पे बच सकते हैं, कैसे उसके जहर को घर पे कम कर सकते हैं, वो भी घरेलू उपाय से। तो बने रहे हमारे वीडियो के साथ, थोड़ा सा भी मिस ना करें। और हाँ, जो लोग अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ यार सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ बेल आइकन के घंटे को दबाना बिल्कुल ना भूलें, ताकि हम कोई भी अगर नई नई वीडियो बना के लेके आते रहें तो सबसे पहले आपके पास इसकी नोटिफिकेशन पहुँच सके। जैसे दोस्तों अगर व्यक्ति को कुत्ता काट लेता है तो कुत्ते के काटने से कई तरह की बीमारियां हमारे शरीर में फैलने लगती हैं। बाय चांस अगर किसी व्यक्ति को दोस्तों अगर पागल कुत्ता काट लेता है तो उसके साथ साथ व्यक्ति भी पागल हो जाता है और बहुत घबरा जाता है ना, उसका दिमाग काम करता है ना, व्यक्ति का शरीर कंट्रोल में रहता है, जैसे लगता है कि उस व्यक्ति का सुध बुध पूरा खो जाता है। तो आज हम आपको नेचुरली घरेलू उपाय बताएंगे कि आप घर पे कैसे कुत्ते के जहर को ठीक कर सकते हैं और शरीर में फैलने से रोक सकते हैं। दोस्तों सबसे जरूरी बात यह ये कि जब आपको अगर कुत्ता कहीं पर भी अगर काट लेता है तो सबसे पहले आपको वहाँ पे डिटॉल साबुन लगा के अच्छे से साफ कर लेना चाहिए। ऐसा करने से क्या है कि वहाँ की जो गंदगी रहती है, खुजली है, वो साफ हो जाएगी। और फिर तुरंत उस हिस्से पे दोस्तों आप डिटॉल गिरा दें, जो पानी वाला डिटॉल होता है उस हिस्से पे आपको तुरंत डिटॉल गिरा देना चाहिए। गिरा के आप किसी कॉटन कपड़े से या फिर जो पट्टी होती है उसे वहाँ पे तुरंत बांध दें। और मैं आपको दूसरा उपाय बताने जा रही हूँ, इसके लिए आपको चाहिए नीम का तेल। नीम का तेल आपको मेडिकल स्टोर पर आसानी से मिल जाएगा, आप वहाँ से खरीद सकते हैं। फिर उसको लेने के बाद आपको किस तरह से इसका उपयोग करना है, आपको 2 चम्मच नीम का तेल ले लें और उसमें जो 1 कपूर होता है, जो पूजा करने के लिए हम लोग कपूर का इस्तेमाल करते हैं, जो छोटा टिक्की होता है कपूर का, उस टिक्की को थोड़ा सा बारीक करके उस 2 चम्मच नीम के तेल में डाल के अच्छे से मिला लें। तो कुत्ता आपको जिस भाग पर काटा है उस भाग पर उस तेल को लगा के अच्छे से मसाज कर लें। ऐसा आप 10 मिनट तक करते रहें और दिन में 3 से 4 बार करें। इस नुस्खा का प्रयोग करते हैं दोस्तों तो आपके शरीर में जहर फैलने से रोक सकता है नुस्खा। ये बहुत ही कारगर, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि दोस्तों छोटे से छोटी जानकारी हमें होना बहुत ज़रूरी है। हमारे घर में कौन कौन सी चीज़ें हैं, हमें कौन कौन सी परेशानियों में इसका ज़रूरत पड़ सकता है, हमें हर चीज़ का जानकारी होना बहुत ज़रूरी है। तो आप अगर इस छोटे से उपाय को अगर कर लेंगे तो आपके शरीर में जो कुत्ता काटा है उसका विष फैलने से भी रोक सकता है और फिर बाद में आप जाके मेडिकल टेस्ट भी करवा सकते हैं। तो आप इन सब चीज़ों का इस्तेमाल कर लेते हैं तो फिर आपको हॉस्पिटल में जाने में अगर थोड़ी सी देर भी हो जाती है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं होती और आप आगे आने वाली बीमारियों से भी बचे रहेंगे। तो आज के हमारे कुछ छोटे से अपडेट थे दोस्तों, अगर आपको पसंद है तो प्लीज़ हमें लाइक शेयर जरूर करें। कोई भी अगर आपका सुझाव हो तो प्लीज़ हमें कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। तो आज के लिए इतना ही, मैं मिलती हूँ किसी अलग मैं वीडियो के साथ, तब तक के लिए स्वस्थ रहें, मस्त रहें, धन्यवाद।